कान खोल के मेरी बात सुन लो। इस घर में रहना है तो मेरी मर्जी से रहना होगा, और किसी के भी आने जाने से पहले इस घर में मुझसे इजाजत ली जाएगी। समझ गई ना तुम? दोबारा तो नहीं समझाना पड़ेगा। कहीं भी जा रहा हूं, मेरी नांटी को पसंद ही नहीं आता। कोई ना कोई रुकावट खड़ी कर देती है। मेरे लिए इस घर को जेल बना दिया है उन्होंने, जहां मेरी सारी ख्वाहिशें कैद में पड़ी सिसक रही हैं। क्या करूं, कितनी मजबूर और बेबस हूं मैं। बेगम साहिबा, आपकी चाय लाऊं? ये बेगम साहिबा को क्या हो गया है? मालूम करती हूं। बेगम साहिबा परेशान नजर आ रही हैं। सब खैरियत तो है ना? ये औरत मेरे बच्चों को जीने नहीं देगी। उनकी खुशियों की दुश्मन बन गई है। कैसा दिल टूट गया दोनों मासूम। क्या मिला मैरीन को? दोनों की खुशियों का गला घोटकर। और जरा सी भी परवाह नहीं उसे। ऐसे कैसे कर सकती? आप रोए ना बेगम साहिबा, अल्लाह साईं सब अच्छा करेगा। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। शास्ता, तुमने बच्चों से वादा किया है कि तुम सब कुछ संभाल लोगे, मगर कैसे? क्योंकि इद्रीस, जब किसी का दिल रखना हो ना तो डरना नहीं चाहिए। और फिर मैं तो ये सब कुछ अपने बेटे सलमान के लिए कर रही हूँ। मगर तुम्हारी ये साजिश पकड़ी जाएगी तब तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। तुम महरीन को कैसे संभालोगे? अगर आपको लगता है अपने बेटे की खुशियों का ख्याल रखना बुरी बात है या बच्चों का दिल रखना साजिश है, तो फिर करने दे मुझे ये साजिश। महरीन का गुस्सा और उसकी ज़हनी हालत तुम्हें पता है, और तुम ये भी जानती हो कि महरीन सलमान और उरूज को इनकार कर चुकी है। इस तरह तो वो अपने आपे से बाहर हो जाएगी। हाँ तो कब नहीं होती वो आपे से बाहर? सारी जिंदगी मैं यही सुनती ही आ रही हूँ कि महरीन को कुछ हो जाएगा, महरीन को कुछ हो जाएगा। थक गई हूँ मैं। अब तक तो कुछ नहीं हुआ उसे। तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो रही हो शायद। क्योंकि मेरा मकसद अच्छा है और मुझे पूरा यकीन है कुछ गलत नहीं होगा। आप बेफिक्र रहें बस। ठीक है, चलता हूं।
ये सब क्या है अरुज? मैंने तुम्हें मना कर दिया था ना, उसके बावजूद तुमने पैकिंग कर ली। नहीं आंटी, ये तो पहले की पैकिंग हुई हुई है, आपने इनकार बाद में किया था। और तुम्हें मेरा इनकार करना पसंद नहीं आया है ना? जी नहीं, तो मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। लेकिन शक्ल तो तुम्हारी साफ साफ बता रही है जैसे मैंने तुम पे बहुत जुल्म किया है। आंटी मैंने तो किसी से कोई शिकायत ही नहीं की। अच्छा तो तुम शिकायत करना चाह रही थी, किससे करती? क्या हुआ अरुज, जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? कोई बात नहीं, पर तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ लिखा दिखाई दे रहा है, सब पता चल रहा है। चेहरे ही तो नहीं पढ़ने आते आपको। क्या सोच रही हो? बात करनी है आपसे, बैठेंगे प्लीज? बताओ। हम कोई चोरी कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें क्यों ऐसा लगा? तो फिर हम ये प्लान छुपकर क्यों बना रहे हैं? मतलब तुम आंटी से बात कर सकते हो, उन्हें कायल कर सकते हो, एतमाद में लेके हम क्यों नहीं जा सकते? हमारी भी जिंदगी है अरुज। मैं तुम्हारी इस बात को मानता हूं, बट मॉम नहीं मानेगी, और मैं हर हाल में तुम्हें इस ट्रिप पर लेकर जाना चाहता हूं। इसलिए तो ये सारा ट्रिप मैंने खामोशी से प्लान किया। ठीक है, हम छुप कर चले जाते हैं, फिर उसके बाद क्या होगा? आंटी मुसलसल फोन करती रहेंगी और वापस आने के बाद मेरी इंसल्ट होगी। अरुज सिर्फ तुम्हारी इंसल्ट नहीं होगी, हम दोनों की इंसल्ट होगी। तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी, वो हमारी अम्मी है, और तुम्हें पता है ना, वो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हैं। इस मोहब्बत में मैं हिस्सेदार नहीं हूँ, और एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो तुम्हारी अम्मी है लेकिन मेरी सास है। डोंट वरी, अगर मॉम कुछ भी बुरा करेंगी ना तुम्हारे साथ, तो मैं तुम्हारे साथ हूं। साथ दोगे मेरा? तुम तो ऑफिस चले जाओगे, और बाद में मैं, मेरी नानी, ये घर और उनके ताने। तो फिर तुम ही बता दो क्या करूं मैं। जो मैं कहूंगी वो मानोगे? ऑब्वियसली, बोलो। तुम ये ट्रिप कैंसिल कर दो।
ट्रिप कैंसिल कर दो। ये क्या बात हुई?